अस्सलाम वालेकुम मेरा भाइयों, क्या हाल है आप लोगों का। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। तो आज के दिन की शुरुआत हो गई है और बहुत एक मज़े की चीज़ हुई है। जो हमारी पहली राइड थी वो ये एक इंडिया की कोई जानी मानी हस्ती है राखी सावंत करके, तो इनको छोड़ा है मैंने और इनका टोटल 145.81 बना है, जो हमें कट कटा के तकरीबन 100 दिरहम आ जाएगा। लेकिन देखते रहिए, इनकी स्टोरी शेयर करूँगा मैं। इन्होंने मुझे काफ़ी परेशान किया, इनके साथ जो एक थे, जो इनके हस्बैंड थे, जो भी थे मैं नहीं जानता, लेकिन काफ़ी परेशान किया। तो अच्छा ये देखें, अभी ट्रिप एंड की है और हमें इसके 104 आ गए हैं। अभी मैं पाम जुमेरा पे ही हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने घंटा तकरीबन 40 मिनट इंतज़ार किया है, राइड नहीं आ रही है। अब अक्सर इस टाइम पे पीक शीक आ जाती है, लेकिन एक पीक पे हमने पकड़ लिया था, फिर उसके बाद नहीं आ रही राइड। तो मैं यहाँ से निकल रहा हूँ क्योंकि कहीं और जाके पकड़ते हैं, क्योंकि अभी शेख जायद रोड पे ना बहुत रश हो रहा होता है, तो अक्सर इन जगहों पे पीकें लगना स्टार्ट हो जाती है मेरे अंदाजे से, तो जो मैंने देखा है ये ऊबर और करीम पे। तो खैर अभी मैं निकल के जा रहा हूँ पाम से। ये देखे मैं आपको दिखाता हूँ मैं किधर बैठा हुआ था। ये देखे यहाँ पे था मैं, अभी यहाँ से निकल के आगे की तरफ जाएंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। इंशाल्लाह कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, क्योंकि आज स्कूल भी खुले हुए थे। मैंने असल में काम लेट स्टार्ट किया आज, मैंने 1:30 पे साढ़े एक बजे स्टार्ट किया था। मैंने बोला नींद वींद ले लेते हैं, बहुत थक गया था मैं, क्योंकि कमर में भी मेरे है ना बैक पे पेन हो रहा है ये चला चला के, तो आज थोड़ा लंबा सो गए। लेकिन फिर भी लेट उठे हैं, काम अभी इस टाइम अच्छा जा रहा है। बहरहाल देखते हैं, अल्लाह करे इस वक्त थोड़े दो राइडें मिले, फिर हम एयरपोर्ट पे जाके है ना वहाँ से पकड़ेंगे कोई राइड इंशाल्लाह। खाना वाना कर लिया है, शावरमा खाया मैंने, भूख लग रही थी काफ़ी, और एक राइड मिल गई थी। उसके बाद मैंने बोला था जुमेरा से मैं निकल के बाहर जा रहा हूँ, तो एक राइड मिली थी, छोटी सी मिली है 23 दिरहम की। खैर अभी चाय पियेंगे थोड़ी सी और फिर उसके बाद मैं शायद एयरपोर्ट की तरफ जाऊँगा, कोई लंबी राइड पकड़ने का इरादा है मेरा, तो टाइम अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। तो देखते हैं अभी क्या होता है, फिलहाल चाय पीते हैं। तो ऊबर पे पहला ट्रिप हमने उठाया है पूरे दिन का, 10:40 हो रहे हैं अभी रात के, तो छोटा सा ट्रिप था तो मैंने बोला, और 1.5 घंटे बाद अब मुझे ट्रिप मिला था। देखते हैं, मैं सोच रहा हूँ एयरपोर्ट की तरफ जाऊँ, यहाँ से एयरपोर्ट तकरीबन 25 मिनट दूर है। तो भाइयों राइड मिल गई थी, ये भाईजान को ड्रॉप किया, इनको देते हैं 5 स्टार। तो तकरीबन 10 किलोमीटर की राइड थी, 12-15 मिनट की, इसको एंड करते हैं। इसके तकरीबन बने हैं 30 दिरहम। वेट कर रहा हूँ मैं होटल के नीचे के कोई ट्रिप आ जाए, ताकि हम लंबा एक ट्रिप मिल जाए। काफ़ी टाइम हो गया है मिला नहीं है लंबा ट्रिप, छोटे छोटे ट्रिप्स थोड़े से मैं मार के ना थक भी गया हूँ अब। तो मैं आज मुझे जो वो ट्रिप मिला था ना राखी सावंत का, तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा बता दूँ, क्योंकि मुझे खुद अंदाज़ा नहीं था मैं
जब मुझे करीम पे ट्रिप आया तो मैंने बोला चलो कस्टमर को उठाते हैं जाके, जैसे हम हर रोज़ की तरह करते हैं। तो मैं गया वहाँ पे, फिर नाम लिखाया राखी सावंत। तो मैंने फिर जाके ना, मैंने बोला पता नहीं कोई होगा, तो अब जब वो खुद ही चलते हुए आ रही है मेरी गाड़ी की तरफ, मैंने बोला ये तो वही है जिसको मैं अक्सर यू नो टिकटॉक में आ जाते हैं या फिर अपने यूट्यूब पे कई बार है ना हमें दिख जाते हैं, ये सारे जितने भी सोशल मीडिया पे होते हैं या इन प्लेटफॉर्म्स पे होते हैं। तो जब वो आके बैठी तो वो उनके साथ एक जेंटलमैन भी थे, अब मुझे नहीं पता वो अगर उनके हस्बैंड थे या उनके फ्रेंड थे, जो भी थे। तो वो जब आके बैठे ना, तो अब मैं जा रहा हूँ डेस्टिनेशन की तरफ जहाँ पे उन्होंने अपना एड्रेस डाला होता है करीम के ऐप पे। तो जब मैंने उनको वहाँ पहुँचा मैं, तो वो बोलते हैं ये जगह नहीं है। तो मैंने बोला आपने तो एड्रेस यही डाला था, और वो 30 मिनट दूर मैं गया था उनको लेकर, सही है, तकरीबन 25 किलोमीटर की वो ड्राइव थी। तो वो जब एड्रेस गलत निकला ना, तो वहाँ पे थोड़ा सा है ना वो घबराने लग गए, क्योंकि उनको कहीं पहुँचना था। अब इसमें मेरी भी कोई गलती नहीं थी, मैं तो बस वही एड्रेस फॉलो कर रहा था जो उन्होंने डाला है। तो खैर अब क्या हुआ कि फिर उनके जहाँ पहुँचना था ना, उनको फिर कॉल की, उनसे मैंने सही एड्रेस लिया और फिर मैंने उसको अपडेट किया ऐप पे, और फिर उनको मैंने जब सही जगह उतारा ना, तो तकरीबन घंटा लग गया था इस सारे प्रोसेस में। अब वो वक्त है ना, जिस वक्त पे वो लोग गाड़ी में थे, वो हमारे लिए बड़ा कीमती वक्त होता है, 2-3-4 ये अच्छा टाइम होता है, क्योंकि स्कूल्स की है ना छुट्टी हो रही होती है और हमें 2 या 3 ट्रिप्स लग जाते हैं। राखी का ट्रिप भी बहुत अच्छा था, क्योंकि उसमें हमें जो मिले थे 100 दिरहम कुछ मिले थे, लेकिन पीक्स चल रही होती हैं, टाइमिंग अच्छा होता है, स्कूल भी खुल गए हैं, तो हम इस वक्त को है ना काफ़ी, जितने भी करीम या उबर ड्राइवर्स होंगे वो इत्तेफाक करेंगे कि ये वक्त हमारे लिए बड़ा कीमती होता है। तो खैर ट्रैफिक भी इतना ख़तरनाक था कि ट्रैफिक में ही इतना टाइम लग गया। लेकिन वो जो उनके साथ साहिबजादे थे ना, वो तो बहुत ही बदतमीजी भी कर रहे थे कि जैसे गलती मेरी है, मुझे समझ नहीं आई, लेकिन आप ही ने एड्रेस डाला और आपके लिए हम जो एड्रेस डाला उसी पे जा रहे हैं। और मैं सोच रहा था कि एक ज़रा उनको भी वीडियो मिले, लेकिन वो मौका बना भी नहीं, क्योंकि वो पहले ही इतना एक नर्वसनेस चल रही थी गाड़ी के अंदर कि उनको बस मैं सही एड्रेस तक पहुंचा दूं। तो ये एक था एक्सपीरियंस इनके साथ। तो भाई ये एक ऊबर पर ट्रिप आ गया था, इसको 5 स्टार दे देते हैं, अब देखते हैं कितने आए हैं इस ट्रिप के। तो ये $24 का टिप है, ट्रिप है। आज काफ़ी छोटे छोटे ट्रिप्स मिल रहे हैं, दोपहर के टाइम पे मिले थे 2 लंबे, बाकी सब छोटे ही मिले हैं, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह आ तो रहे हैं ना ट्रिप्स, यही बहुत बड़ी बात है। एक वक्त ऐसा था कि घंटे गुजर जाते थे, ट्रिप्स ही नहीं आते थे। चलें अभी क्या टाइम हो गया, 12 बज गए हैं, देखते हैं अगर एक और पकड़ सकते हैं, अगर मिल जाता है तो सही, वरना फिर घर की तरफ ही चलेंगे। चले भाई, ये तो अभी मैं घर की तरफ ही जा रहा हूँ, वो आखिरी ट्रिप हमने ऊबर पे ही लिया था 24 दिरहम का जो था। अभी लेट बहुत हो चुका है, 1 बजने वाला है, कल सुबह भी उठना है, तो चले फिर घर चल के बात करते हैं। तो भाई वो घर पहुंच चुके हैं हम लोग, और अभी बज रहा है 1 सुबह का, और चलें फिर जल्दी जल्दी से देखते हैं कि क्या आज हमने कितने का काम किया है, क्या हुआ है। तो करीम पे हमने कुल मिला के 9 ट्रिप्स आज ली हैं, सही है, 2 बड़ी ट्रिप्स थी, बाकी छोटी छोटी थी 25-30-40 इतने की। तो करीम पे जो हमने काम किया है वो है 403 दिरहम का, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम हो गया करीम पे आज,
और ये आप देखें, आज 4 तारीख है, तो जब आप इसको देखा करें तो वो 4 तारीख को देखा करें। तो इतना हमने करीम पे काम किया है, और ये नीचे भी होगा ये अपना। ओके, लाल वाला नहीं देखें, वो लाल कैश स्ट्रिप्स होते हैं जो काले में होते हैं, उनको गिनते होते हैं, सही है। तो ये अपना करीम का हो गया, और जो हमारा ऊबर का है उस पर हमने काम किया है ये 38 दिरहम का, सही है। तो ये 38 दिरहम का अपना हो गया ऊबर का, तो कुल मिला के हमने आज इतने का काम किया, सही है। अब इसमें जो है ना, जो माइनस करते हैं अब इसको, जो हमारे खर्चे होते हैं दिन के इस गाड़ी को लेकर, तो इस गाड़ी की जो किस्त होती है, जो इसमें पेट्रोल का खर्चा होता है, जो इसमें जितने भी खर्चे हैं हमारे दिन के, उसको मैं माइनस करूँगा इसमें से, ताकि आप लोगों को बेहतर अंदाज़ा हो जाए। तो इसमें से माइनस करेंगे हम 226 और फिर 70 पेट्रोल के, तो हमारा जो मुनाफा हुआ है ना आज का, वो इतना हुआ है 105 दिरहम का। और मैंने काम स्टार्ट किया था 1 बजे दोपहर के, अब सुबह के 1 बज गए हैं, तो 12 घंटे ड्यूटी की है। और यकीन माने आज मैंने इतनी मेहनत से काम नहीं किया है, मैं आज बहुत सारी जगह गया भी हूँ, बैठा हूँ, ऐप्स मेरे ऑफ थे, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह काम मुझे जहाँ तक लग रहा है ना, जितना किया मैंने बहुत अच्छा हो गया। मैं अगर सुबह के अभी सुबह का काम कर लेता तो शायद इसमें 150-200 दिरहम और बन सकता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितना था मैंने सुकून से किया, ज़्यादा अपने ऊपर प्रेशर नहीं लिया, और हम ऊपर ही आए हैं। तो कल वीकेंड है, तो इंशाल्लाह देखते हैं कि कल किस तरह का काम होता है, और फिर देखते हैं। आज के लिए तो इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई आज की, तो इसको आप ये लाइक कर दें, नीचे बटन दबा दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें आप, थोड़ा सपोर्ट दे दें, और मैं इंशाल्लाह ये वीडियो बनाता रहूँगा। और शुक्रिया आप लोगों का, आप लोग सपोर्ट दिखा रहे हैं और पसंद कर रहे हैं मेरी वीडियोस, बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह की वीडियोस बनाता रहूं, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दें चैनल को और शेयर करें। जैसा भी होता है ये काम, जो भी होता है, मैं अपनी हर रोज़ की ये जो वीडियोस बनाता हूं, उसका यही मैं बताना चाह रहा हूं कि ये काम कितना आपको काम करना पड़ता है, कितना टाइम लगाना पड़ता है, कितनी मेहनत होती है, फिर उसका जो हम जो प्रॉफिट होता है, एक्सपेंस क्या है, ये सारी चीज़ें हैं ना आप लोगों के सामने यूट्यूब पे मैं दिखाना चाह रहा हूँ दुबई में, सही है। तो शुक्रिया बहुत बहुत मेरी वीडियोस देखने का। अभी हम इधर ही वीडियो ख़त्म करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।